फ्रेंड्स, आज हम टेस्टी ग्रेवी वाला भेजा बनाएंगे जो टेस्ट में भी बहुत अच्छा बनेगा और झटपट बन के तैयार भी हो जाएगा। इसे कैसे बनाना है, आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी वाला भेजा बनाने के लिए हमने यहाँ एक बड़े का भेजा लिया है और अच्छे से इसे हमने वॉश कर लिया है। बहुत अच्छे से ये अब क्लीन हो चुका है। और यहाँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल के गरम पे चढ़ा दिया है हमने। इसमें हमने प्याज डाल दी है। अब इसमें हम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज का अच्छा सा कलर गोल्डन आ गया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक इसे भी हम इसी तरह ही पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। 5 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की टमाटरों की प्यूरी बना ली है। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 छोटा टीस्पून जीरा पाउडर डाल के अच्छे से 5 मिनट तक पका लेंगे मसालों के साथ ही हम इसे। अब यहाँ हमने 1/2 छोटा टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है। अच्छे से मसालों को हमें भून लेना है। इस तरह का ग्रेवी वाला भेजा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि तले पर मसाले लगे नहीं, और थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे और हम भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं और बहुत अच्छे से खुशबू भी आ रही है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें भेजा डाल देंगे और भेजे को अच्छे से हम मसालों में मिलाते हुए मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए इसे भी हम अच्छे से मसालों के साथ ही भून लेंगे। हमने इसमें अभी नमक ऐड नहीं करा है, इसलिए हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे और अच्छे से इसे हम 5 से 10 मिनट तक भूनते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए हमने भेजे को भून लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है और स्लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। भेजे को भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ऑयल सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छे से भेजा भुन चुका है। हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। टेस्टी ग्रेवी वाला भेजा बनकर तैयार है। ये बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप इस तरह का भेजा बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ आपको मेरी ग्रेवी वाले भेजे की रेसिपी कैसी लगी।